नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं ज्योति एफएल सपोर्ट चैनल को। दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी वीडियो डालें दोस्त आप लोग को पहले मिल जाए। आज इस वीडियो में दोस्त जानने वाले हैं कि जो भी देखते होंगे किसी किसी गाने का BPM कुछ और रहता है और एफएल में कुछ और बताता है दोस्त, ठीक है। और सीधा हम लोग पैटर्न 4 पे बनाते हैं तो वो मैच नहीं करता है। आप लोग जो भी पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न कुछ अलग चलेगा और गाना जो भी है गाना फास्ट चलने लगता है दोस्त। तो उसको हम कैसे सही से डीजे करते हैं वही आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्त। तो आज इस एक गाना है आया है दोस्त कि बोलबम का सॉन्ग है, ठीक है। आप लोग पोस्टर देख कर पता चल गया होगा तो उसी गाना को हम आज बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे वो सब गाना बनता है, ठीक है, उस टाइप का गाना कैसे बनता है। तो आज वीडियो में यही दोस्त जानेंगे। तो वीडियो का आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, और इसमें देखिए जो भी पैटर्न यूज करेंगे आप लोग के पास वो होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्त चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एक वीडियो दोस्त डाल लेते हैं FL स्टूडियो के ही बारे में कि स्टेप बाई स्टेप उसमें समझाए हैं। तो इसमें दोस्त आपका बैकग्राउंड म्यूजिक और जो भी है बैकग्राउंड म्यूजिक और फिट करने का इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी जल्दी किए हैं दोस्त। अगर आपको वो प्रोसेस धीरे धीरे समझना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आराम से बताए हैं दोस्त बैकग्राउंड का म्यूजिक काटना या जो भी पैटर्न बनाना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे कि जो भी गाना है उसमें कैसे बनाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे वो सब सॉन्ग बनता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं। आज दोस्त जानेंगे कि जो भी बोलबम के एक सॉन्ग आया है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे चिलम से गांजा निकल रहा है, ठीक है, इसी टाइप का एक गाना आया हुआ है बोलबम का, ठीक है। तो उसी को हम रिमिक्स करके आप लोग को बताएंगे कि वो गाना कैसे रिमिक्स होता है दोस्त, ठीक है। बहुत सारे डीजे वाले को फोन आया कि मतलब ये पैटर्न हमको बनाने में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका BPM सही दिखाता है पर हम इसमें लाते हैं तो BPM उसका कुछ और बताता है, ठीक है। और जब इस पे पैटर्न हम बनाते हैं इस सॉन्ग पे तो गाना का म्यूजिक फास्ट हो जाता है और मेरा पैटर्न स्लो हो जाता है, तो वो क्यों होता है तो आइए दोस्त इस वीडियो में पूरा जानेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए वो गाना पहले डाल लेते हैं दोस्त। जहाँ रखे हैं उस फाइल में आपको जाना है, ठीक है, उस गाने के लिए। तो देख सकते हैं ये दोस्त बुलेट राजा जी का गाना है, तो इसी को हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह सॉन्ग को ड्रैग करके डाल लेना है। डालने के बाद दोस्त इसको गाने को फिट करना है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं फिट करना और बैकग्राउंड इसका काटना तो आप लोग एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उस पर वो वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं कि गाना का बैकग्राउंड और फिट आउट कैसे करते हैं, ठीक है। आज इसमें दोस्त बताएंगे केवल कि इसमें पैटर्न कैसे बनाते हैं कि गाना से मैच हो, ठीक है। तो जल्दी से दोस्त हम फिट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ से फिट कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसका टेम्पो 150 बता रहा है तो 150 पे ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। उसके बाद फिर एक बार दोस्त उसी तरह जाना है, फिट करना बता दिए हैं, ठीक है, फिर उसी तरह फिट आपको कर लेना है, ठीक है दोस्त। तो फिट कर लिए, उसके बाद आपको बैकग्राउंड काटना है। तो अगर डिटेल में देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो डिटेल में बताए हैं, उसमें देख लीजिए, ठीक है। इसमें फटाक से कर लेते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कम कर लेंगे, फिर यहाँ जाना है दोस्त एग्री फ्री मिक्सर ट्रैक पे, और यहाँ से सोलो टू वन में जाना है आपको, ठीक है। और सोलो टू वन में जाने के बाद यहाँ से मैक्सिमाइज ले लेना है और यहाँ से मीट कर देना है, यहाँ सोल पे क्लिक कर देना है, यहाँ से लो जो लिखा है इसको बढ़ा देना है, हाई को फिर बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया, इसको काट देंगे। अब सोलो टू में जाएंगे, फिर इसी तरह फ्रूटी पैरामीटर इको टू ले लेंगे और इसका आवाज़ इस तरह मतलब हर जैसे गाने में आप लोग काटते हैं इस तरह काट लेना है, फिर इसका भी काम हो गया। अब सोलो थ्री में जाना है, उसके बाद ये फ्रूटी पैरामीटर इको ले लेना है इस बार, और इसको आप लोग दोस्त ले लिए हैं तो इसको भी इस तरह आपको इधर से गिरा देना है, ठीक है। अब दोस्त मेरा बैकग्राउंड कट गया है, ठीक है, आप लोग पहले वाला बैकग्राउंड में अब अंतर हो गया। अब दोस्त आपको क्या करना है, अब केवल गाना का बेस मालूम करना है कि कहाँ इसका किक गिर रहा है, ठीक है। तो वो प्ले करते हैं, देखिए दोस्त यहाँ दोस्त बेस गिरा है, आप लोग देखिए इस यहाँ बेस गिरा है। तो इसको आपको क्या करना है,
जो इस देख सकते हैं ये सबसे गाढ़ा वाला चिन्ह है वहाँ आपको सटा देना है जहाँ बेस गिरा है। तो देखिए हम यहाँ सटा दिए हैं और यहाँ से जूम कर लेना है, ठीक है। आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त, वो डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए बीट मैचिंग हो गया है, अब इसको पैटर्न कैसे बनाएंगे हम, तो दोस्त इस पे गाना पे क्लिक करना है डबल, और यहाँ फिर से कोने में जाना है और सिंपल लिखा है यहाँ से स्पीचर व्यूअर पे क्लिक कर देना है। अब दोस्त आपको पता चल जाएगा कि इस गाना में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, ठीक है, कि आपको पता चले। जैसे मैं यहाँ देख, अब इसमें एक धारी धारी सा चिन्ह आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ लगा है, तो आप इस तरह से अपना मिक्सिंग कर सकते हैं अच्छा से। तो आपको क्या करना है, जो भी किक पैटर्न लूप वूप रखे हैं वहाँ चले जाना है दोस्त, ठीक है। तो जिस फाइल में रखे हैं आप चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ से हम किक डाल लेते हैं, ठीक है। किक को आपको मालूम होगा कि चार चार पे इस तरह बिछाते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ चिन्ह आपको नज़र आता होगा, देखिए ये सबसे गाढ़ा चिन्ह है, उसके बाद यह सबसे थोड़ा सा उससे हल्का गाढ़ा है, तो इस पर लगा देते हैं चार चार पे किक, ठीक है। उसके बाद दोस्त अब इसमें क्या क्या बज रहा है वो देखना है, ठीक है। अब दोस्त इसको क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करना है, इस हीट में आ जाना है और किक को नीचे ये लगा देते हैं कि थोड़ा सा अच्छा किक बजेगा, ठीक है। ज़्यादा जानकार हो गया तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से वॉल्यूम उसका कम तो और इसमें लगाइएगा तब अच्छा बजेगा, ठीक है। तो वो भी लगा लेते हैं, यहाँ डीजे पैक मतलब जाना है अपना जहाँ रखे हुए हैं, और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे दोस्त ये लगेगा, ठीक है। तो इसमें लगाना है कहाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बार बजाइएगा तो आपको पता चल जाएगा गाना में क्या क्या चीज़ लगा, ठीक है। तो दो बार देखिए कुछ गाना में लड़ रहा है, ठीक है, जैसे उसको कहाँ लगाना है। तो दोस्त आपको देखिए यहाँ से हम सब ओपन करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि इस किक और इस किक के अंदर एक यहाँ चिन्ह है, तो इसी चिन्ह पे लगेगा, तो इस तरह खाना में लगाइएगा तो दोस्त इधर उधर हो जाएगा। उस तरह पूरा जूम कर लेना है आप लोग को यहाँ से, उसके बाद इस तरह घींच कर इसके सोझान पे ये लाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्त यहाँ से देख सकते हैं यहाँ चिन्ह से अंदर इतना पार्ट हो जा रहा है, तो इसको काट लेना है, यहाँ से ब्लेड लीजिएगा और इस तरह काट लीजिएगा। काटने के बाद यहाँ फिर ब्रश पे आ जाना है, उसके बाद इसको हटा लेना है, ठीक है, माउस का दाहिना बटन से। और दोस्त इसी को एकदम सेम लाना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये फर्स्ट किक के बाद लगा है, तो यहाँ दूसरा किक जो लगा है इसके बाद लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जब ला देंगे तो आप दोस्त एक और इस किक के बाद भी इसी तरह लाएंगे, ठीक है, और इस किक के भी बाद इस तरह देख लीजिए कि हर मतलब हर जो किक लगा है उसके जो भी सामने ये गाढ़ा वाला चिन्ह है आप देख सकते हैं यहाँ, वो उसके सामने ये नज़र आता होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इधर भी भगा लेते हैं आपको दिखाने के लिए, तो ओ सॉरी, देख सकते हैं इसके गाढ़ा वाला चिन्ह है इसके जो भी सामने लगाए हैं, ठीक है। तो आप सुनते हैं कैसे बज रहा है अभी दोस्तों, अच्छा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा लगाने के लिए देखिए इस तरह नहीं लगेगा, तो आप देखिए फर्स्ट वाला तो ठीक, फर्स्ट वाला ठीक बज रहा है, ठीक है, इसके सामने लगाए तो। अब दोस्त कहाँ इसमें लग रहा है वो दिखना होगा, तो देख सकते हैं ये किक लगा है इसके सामने ही एक गाढ़ा चिन्ह है, तो यहाँ आपको लगाना है। और देखिए आगे लगा हुआ है, तो इसको जूम करके आपको इस तरफ पाछा यहाँ खींच लेना है इसका सुझान पे, ठीक है। और दोस्त आप सुनते हैं प्ले करके दो ये लगाने का, देखिए अच्छा बज गया। तो अच्छा बज गया तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है माउस का कीबोर्ड में के कंट्रोल दबाना है और माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर लेना है, क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, ठीक है, दबाते हुए सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्त कीबोर्ड के शिफ्ट बटन क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट वाला बटन, और इस तरह खींच के आगे बढ़ा देना है। आगे दोस्त कहाँ बढ़ाना है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ाने के लिए देख सकते हैं कि जो भी है यहाँ से जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ किक के सामने देख सकते हैं, और इसके सामने तभी वहाँ ही छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद आप दोस्त आपको प्ले करना है, देखिए कितना अच्छा बज गया दोस्त, ठीक है। तो आप दोस्त इसमें और कुछ चीज़ ऐड कर लेते हैं कि और अच्छा लगे, तो देखिए ऐड करने के लिए आप क्या क्या बाकी रह गया है दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ ढोलक भी लगा सकते हैं, जो हुड़का टाइप का नहीं बजता है वो लगा सकते हैं इस खाने के सामने,
और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये एक चीना टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी एक चीना टाइप का बना हुआ है, ठीक है। जब देखिए इसमें दोस्त ये किक लगा है और दूसरा तीसरा किक, तो इसके सामने एक चिन्ह आपको और नज़र आता होगा, और यहाँ भी, तो यहाँ कुछ डाल लेते हैं हिट हो तो कि अच्छा लगे आपको सुनने में या देखने में जो भी, तो ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये डाल लेते हैं हम यहाँ। और देख सकते हैं कि ये बड़ा है दोस्त, इसको यहाँ से ब्लेड ले लेंगे और यहाँ से क्रश कर लेंगे, फिर माउस लेंगे इसको और ब्रश लेंगे, ब्रश पे क्लिक करके या इधर से डिलीट कर लेंगे। अब दोस्त देखिए लगाए हुए हैं, तो यहाँ चिन्ह है और ये आगे लगा, तो इस तरह आपको पाछा कर लेना है, ठीक है। पाछा करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ से फिर एक और लगाना है, यहाँ से जस्ट ही कॉपी करके जैसे शिफ्ट दबा कर और इस पे माउस ले जाइएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, घिंचिएगा तो, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी को कॉपी करके दोस्त आपको आ जाना है यहाँ, ठीक है, इस चिन्ह वाला पे, और यहाँ से कॉपी कर लेना। अब दोस्त सुनते हैं कि थोड़ा सा चेंजिंग कुछ हुआ है कि नहीं, इसका आवाज़ ज़्यादा है तो इस पे क्लिक करके इसका आवाज़ जो भी कम कर लेना है दोस्त, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा बढ़ गया। अब दोस्त इसी को क्या करना है, इसी पैटर्न को पूरा को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और कुछ ऐड इसमें कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। आप जितना ऐड कीजिएगा उतना अच्छा बजेगा, ठीक है, तो हम इतने कितना ऐड करके बताएं आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह कॉपी कर लेना है जैसे बताए थे शुरू में, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और माउस का लेफ्ट वाला बटन, ठीक है, और इस तरह आप पूरा को आगे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, इसी पैटर्न को सेम जहाँ तक है दोस्त तो इसका कर सकते हैं, और प्ले करके सुनते हैं। देखिए यहाँ से पैटर्न दूसरा चेंज हो गया, तो यहाँ से आप लोग लूप ऑफ डाल सकते हैं दोस्तों, लूप वाला फाइल में आप फटाक से चले जाइए जहाँ लूप रखे हुए हैं, और यहाँ से जो भी लगेगा वो डाल देते हैं, तो ये लगेगा जहाँ तक उम्मीद है, तो इसको डाल लेते हैं। यहाँ से फिट कर लेंगे और फिट टू टेम्पो पे क्लिक करना है और 75 to 150 कर देना है दोस्त, ठीक है। तो ये अपरूपी एडजस्ट हो जाता है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि बड़ा दिख रहा है, तो जब फिट किए हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने खाना के अंदर। देखिए ये बाहर निकला हुआ है इस चीज से, तो अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो देख सकते हैं दोस्त ये ऑटोमेटिक आपका अंदर हो गया, कितना बड़ा था और कितना छोटा गया, ठीक है। तो आप प्ले करके सुनते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ दोस्त थोड़ा सा गायफी म्यूजिक, उसके बाद किक बज रहा है, तो गैप म्यूजिक में भी कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। तो गैप म्यूजिक में जाइएगा आप लोग, यहाँ से देख सकते हैं गैप म्यूजिक हम रखे हैं दोस्त अलग अलग, ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं गैप म्यूजिक में। तो यहाँ से जाना है आपको और यहाँ से कोई और इस तरह डाल लेना है, और इस तो ज़्यादा बड़ा देखिए दोस्त ये गैप म्यूजिक आपको बड़ा नजर आता होगा जब डाले, तो दोस्त आपको क्या करना है कि देखिए जितना यहाँ गैप म्यूजिक बज रहा है उतना ही रखना है, इधर से आप इस तरह दबा लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त यही पैटर्न फिर आगे चल रहा है, तो यह जो पैटर्न हम बनाए हैं इधर से पूरा को सेलेक्ट कर लेना है, जितना आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है, माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करना है, इस तरह आगे जहाँ तक लाना है ला दीजिएगा, ठीक है। अब प्ले करते हैं दोस्त। अब दोस्तों इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और तो इसी तरह बनाएगा दोस्त, जितना आपको आगे बढ़ाना है आगे इस तरह बढ़ा लेना है, ठीक है, आपको जितना है पूरा सॉन्ग इस तरह कर लेना है, ठीक है, जहाँ दोस्त म्यूजिक चेंज होगा वहाँ से हटा लीजिएगा इस तरह, ठीक है। तो अब देखिए दोस्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से म्यूजिक खाली हो गया, तो आप यहाँ से एक किक और यहाँ से क्लिक करके यहाँ दे दीजिएगा कि लास्ट में बढ़िया से ख़त्म होगा, जैसे देखिएगा, देखिए कितना अच्छा ख़त्म होगा, और फिर से जो भी आएगा यहाँ से फिर यही बिछा देना है दोस्त, जो भी पैटर्न यहाँ से लगाए थे आप, तो यहाँ से क्लिक कर लेना है चार, और इसको आगे आप यहाँ से गा रहा है तो फिर से यहाँ से आपको इस तरह खाने में बिछाना है, बाहर नहीं बिछाना है कहीं पर नहीं दोस्त, देखिए चार बीट चार इस खाने और इस खाने के अंदर रहेगा, ठीक है, और यहाँ भी कुछ
ठीक है, तो इसमें गायब म्यूजिक डाल सकते हैं, यहाँ से डाल लेते हैं और यहाँ से ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आप बना सकते हैं, पूरा गाना बना लीजिएगा। पूरा गाना बनाते होंगे तो आप तो मालूम ही होगा। पूरा गाना बनाने के बाद आप यहाँ फाइल पे आइएगा और सेव पे क्लिक कर देना है दोस्त, ठीक है। और इसको जिप फाइल में हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जिप, आप अगर जिप फाइल में है तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे हम जिप फाइल इसका सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर से फाइल में जाना है और सेव पे, दोस्त ऑडियो सेव करना है तो आपको फिर से फाइल में जाना है और डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ नाम जो भी है चेंज कर सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ से MP3 सेलेक्ट कर लेना है और सेव क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो गाना ऑटोमेटिक देखिए दोस्त सेव होने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब यहाँ पूरा हो जाएगा तो गाना सेव हो जाएगा। तो दोस्त इसी तरह बनाते हैं, ठीक है, ऐसा भी पैटर्न बनाते हैं। तो दोस्त आपको जहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्त। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।